जय साहब, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि आपको बताया, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम जारी है और उसके बाद कई बच्चों का एग्जाम हो चुका है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर है उन बच्चों को फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट करने में यदि आपने देरी की तो जो अंकों का खेल है वो अंकों का खेल में आप पिछड़ जाएंगे। आपको अधिक अंक प्राप्त करना है तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी फिजिकल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा। पहले आपको बेसिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज करना है, आपके मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके बाद आपको फुल एफर्ट के साथ कोई भी काम करना है। यदि आप लेट हुए फिजिकल करने में और आपको लगा कि फिजिकल की डेट बहुत जल्दी हमारे सामने आ गई है और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो इंजुरी हो जाएगी और इंजुरी में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। पिछली बार तक जो फिजिकल था उसमें गिरते पड़ते किसी तरह से लास्ट डेट तक आप फिजिकल को क्वालिफाई कर जाया करते थे, गोला फेंक दिया करते थे या फिर लॉन्ग जंप कर लेते थे या फिर रनिंग कर लिया करते थे बाउंड्री पे। अब यदि आपने देरी की और लास्ट डेट तक आप सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करने लायक बने तो आप मेरिट में कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में बाहर होने की संभावना आपकी रहती है। इसलिए फिजिकल यदि करना है तो जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, आप बेसिक फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं करिए, जो भी एक्सरसाइज करेंगे उससे आपकी मांसपेशियों में ताकत ही आएगी, डेवलपमेंट होगा। जिस भी कोच के पास आप थोड़ी ताकत बना के जाएंगे उसके लिए वो सोने पे सुहागा होगा, उसको टेक्निक में कन्वर्ट करेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ हमारी वीएस एकेडमी पर जो बैच स्टार्ट हो गई है उसकी बेसिक कंडीशनिंग। सबसे पहले फिटनेस कंपोनेंट का एक रूल्स है, फिटनेस में सबसे पहले मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बनाई जाती है, स्ट्रेंथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी गोला फेंक ऐसी इवेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हम रनिंग का जो वर्कआउट है, वर्कआउट के अंदर जो बेसिक है उनकी मांसपेशियों को तैयार करना वाला काम कर रहे हैं, साथ ही स्ट्रेंथ वर्कआउट करा रहे हैं जल्दी से ताकि हमारा गोला है फुल अंकों का हो जाए। अब देखेंगे हमारे बीच में एक्सरसाइज का वीडियो, सर दिखाइए, इधर से दिखा रहे हैं, इधर से चलो घुमाओ। ये देसी मुगदल है, इसको घुमाने से आपकी कंधों की ताकत आएगी और आपकी उंगलियों की ग्रिप की ताकत बनती है। शॉर्ट पुट इवेंट के लिए बहुत ही अच्छा, ये जो है बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है, इसको मुगदल कहते हैं। ये हमारे यहाँ पर हम हर थ्रो करने वालों को करवाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे खेलने वाला खिलाड़ी हो या फिर पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाला खिलाड़ी हो। हम लोग इस तरह से मुगदल एक्सरसाइज कराते हैं जिससे कि उसके कंधों में ताकत आए, कंधों के साथ उसकी ग्रिप में मजबूती आए। देसी मुगदल है, यदि आपको देसी मुगदल कहीं मिलती है तो 6 से 8 किलो की बनवा लीजिए और उसको ऐसे करके घुमाइए। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, इधर आ जाइए आप, नेक्स्ट एक्सरसाइज। थोड़े हल्के से पैर चौड़े करो। एक्सरसाइज में आपको सिटिंग पोजीशन में जाना है, जाइए चेस्ट अप डाउन, अप अप ऊपर अप। इसे जब आप कर रहे हैं तो आपके कंधे की ताकत बन रही है, या नीचे जा रहे हैं तो आपकी थाई की ताकत बन रही है। ये एक्सरसाइज आपको रनिंग में काम आएगी, जंप में काम आएगी और गोला फेंक में विशेष रूप से काम आएगी। एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, आपको बिल्कुल कमर सीधी रखना है, कमर स्ट्रेट रखना है, हाथ सीधे रखना है, अप एंड डाउन 10-10 के रेपिटेशन लगाना है। ये बिल्कुल नए हैं, आजकल में स्टार्ट किया है। इधर देखेंगे, इधर बताना एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ये जो है बिल्कुल पोस्चर है अपना शॉर्ट पुट का। 2-3 करके दिखाइए, शॉर्ट पुट जब रिलीज करते हैं, जो उसको पुश करते हैं ये रहता है, इसमें चेस्ट अपना अप रखना है, हेड अप चेस्ट अप, यस पुश करो, यस देखो नीचे थाई से ताकत ले रहे हैं, लगाओ और आप शोल्डर से अप कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज शॉर्ट पुट के लिए बहुत बेहतरीन है, एकदम रिलीजिंग का जो अप ताकत लगती है उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए आप, जबरदस्त एक्सरसाइज है। इधर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखिए आप, ये भी बेसिक एक्सरसाइज है, यस। अब ये यहाँ से इसको पुश करेंगे, आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, ये भी शॉर्ट पुट रिलीजिंग के लिए। जब आप करते हैं, जब यहाँ पर बॉडी को पंजे पे चढ़ाते हैं, पटेल साहब ये दिखाना पंजे पे, आप कर रहे हैं बॉडी जो ऊपर चढ़ा रहे हैं, पहली एक्सरसाइज शॉर्ट पुट के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा तो दूर से दिखाना इसको, लाओ थक गए, मैं करके दिखा देता हूँ, सब लोग देख लें। फिर से कंधे के बराबर पैर छोड़े रखना है, यहाँ इसको रखना है सामने की तरफ और ये करके ये ऐसा लगना चाहिए, शॉर्ट पुट को आप पुश कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। ये सारी एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है शॉर्ट पुट के लिए, और बहुत सारी देसी एक्सरसाइज आपको बताऊँगा मैं, अभी रस्से पे एक्सरसाइज बताना बाकी है। गोला फेंक 25-26-28 फेंकना, मामूली काम, फेंक देंगे बंद, उसको पोज कर दो। जी साथियों, देखा आपने, ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, गोले को
बढ़ाने की, गोला 19 फीट फेंकने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप थोड़ी पुशअप्स और गोले को बहुत दिनों तक फेंकते रहेंगे तो 19 फीट बहुत आसानी से चले जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं गोले फुल अंक मिले आपको, जो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं। 28 फीट गोला फेंकना वो टफ टास्क नहीं, यदि उसकी बेसिक एक्सरसाइज और बेसिक टेक्निक के साथ में हमने किया आसानी से हो जाएगा। हम बहुत बेसिक से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारा टारगेट है हमारे यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं उनको मैक्सिमम अंक जो है, सबसे ज़्यादा अंक वाली कोई इवेंट हो तो वो शॉर्ट पुट हो, उसके बाद में रनिंग हो, उसके बाद में फिर लॉन्ग जंप। हर इवेंट को हम टेक्निकली रूप से कराएंगे। यदि आपको लगता है कि आपको बहुत टेक्निकली रूप से बहुत अच्छे कोचों के बेस ट्रेनिंग करना है, एक बार VS अकेडमी का पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग 23 वर्षों से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग का रिकॉर्ड अब 2022 का यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके पहले का रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2022 की भर्ती का फिजिकल आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक बार विजिट अवश्य करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।